रांची में तिब्बत से आए प्रपोज्ड गवर्नमेंट के दो सांसद और धर्मशाला के एक विधायिका रांची के पूर्व डीआईजी राजीव रंजन से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपने देश की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। आपको बता दें कि तिब्बत पर चीन का वर्चस्व है। तिब्बत के आए डेलीगेशन और का उद्देश्य है कि भारत सहित देश के और देशों को तिब्बत की समस्या से अवगत कराए। इसी के तहत अभियान के तहत हर देश जाकर लोगों को अपनी समस्याओं से रूबरू करवा रहे हैं। हम सबों को पता है कि भारत हमेशा तिब्बत के साथ खड़ा रहा है और बीइंग पुलिस ऑफिसर मैं चूंकि बोधगया में पोस्टेड रहा हूं तो मुझे दलाई लामा जी के भी सानिध्य में रहने का मौका मिला है। तो जो 1947 से हमारी देश की पॉलिसी थी कि हम लोग तिब्बत की स्वतंत्रता को सपोर्ट कर रहे थे और हम समझते हैं कि ये जो अभियान पे निकले हैं कि भारत देश की जनता को अवेयर किया जाए, पूरा वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज को अवेयर किया जाए, चाइना की जो अतिक्रमणकारी और लैंड ग्रैबिंग जो पॉलिसी है इसके बारे में अवेयर किया जाए, वो काबिले तारीफ है। जो हमारा भारत और तिब्बत का संबंध है, ऐतिहासिक दौर से एक संबंध है और जैसे कि हमारा एक धार्मिक रूप से भी हमारा बहुत गहरा संबंध है क्योंकि हमारा भगवान बुद्ध का ज्ञान यहीं से प्राप्त हुआ। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि खास करके जो भारत देश भारत निवासियों को जिस प्रकार से चीन तिब्बत को कब्जा किया, अब चीन का नज़र भारत के भी ऊपर है, काफ़ी घुसपैठ हो चुका है और पूरे विश्व में भी उनके ऊपर भी चीन का नज़र है। तो हमें सावधान रहना है। जैसे कि देखिए, जो ऐतिहासिक दौर से तिब्बत एक स्वतंत्र देश था और भारत का पड़ोसी तिब्बत ही रहा और जो सीमा है वो भारत का सीमा तिब्बत के साथ थे, चीन के साथ कभी भी नहीं थे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।